हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं MIUI 12 के स्टेबल अपडेट के नए शेड्यूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नया शेड्यूल आ चुका है और इसके अंदर जितने भी डिवाइस इंक्लूड किए गए हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। बिकॉज ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो शायद ही यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं एंड बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया कुछ मिलने वाला है। एंड इसके अंदर काफ़ी डिवाइसेस हैं और उसके बारे में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे अपडेट्स कब तक मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब तक यहाँ पे जितने भी अपडेट्स थे वो मिलने वाले थे, वो डिले कर दिए गए हैं। अभी एक नया शेड्यूल आया है, उसी हिसाब से हमें एक अपडेट मिलने चालू होंगे। तो चलिए आज इस शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं बहुत कम बोलता हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो अभी बोल रहा हूँ तो प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार, अभी कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया शेड्यूल निकल के आया है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से डिवाइस आए हैं जिनको सबसे पहले यहाँ अपडेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलेगा यहाँ पे Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 के अंदर। एंड आपको मैं बता दूं कि इनको 2 हफ्ते हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं कि बीटा टेस्टर्स को यहाँ पे अपडेट देखने को मिल चुका था। लेकिन अभी यार यहाँ पे न्यूज़ आया है कि यहाँ पे जो अपडेट मिलेगा आपको अगस्त के एंड में मिलेगा, लेकिन वो अपडेट पब्लिक यूजर्स को देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये अपडेट पर्शियली अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम यूजर्स को देखने को मिलने वाला है। एंड उसके अलावा यहाँ पे यार स्टेबल अपडेट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन जब पर्शियल अपडेट आएगा तो स्टेबल अपडेट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ दे दिया है, तो अगली यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है हमारे पास, वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पोको F1, पोको X2 के बारे में और Mi 10 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा पोको F1 के बारे में। अगर आप इसके यूजर हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एंड ऑफ अगस्त आपको यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है, लेकिन ये अपडेट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं पता। जैसे बीटा टेस्टर्स को मिलेगा या फिर पब्लिक यूजर्स को, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगस्त के एंड में देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये अपडेट भी आपको पर्चुअली अपडेट देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा बात करने वाले हूँ पोको X2 के बारे में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पोको X2 को सभी को यहाँ पे अपडेट देखने को मिल चुका है और यहाँ पे 95% यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी यूजर्स हैं जिनको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी को यहाँ पे एक स्टेबल अपडेट का अपडेट मिलने वाला है, मतलब सभी यूजर्स को यहाँ पे 100% कंप्लीट करने वाले हैं इस डिवाइस के लिए अपडेट। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ Mi 10 के बारे में। Mi 10 को भी अगस्त के आखिर में अपडेट मिलेगा और ये भी अपडेट आपको पर्शियली अपडेट होगा। तो आई होप कि आपको बहुत जल्द इसका अपडेट देखने को मिल जाए। हालांकि अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे Redmi Note 8 Pro एंड Redmi Note 9 के बारे में। अगर आप इसके यूजर हो तो मैं आपको बता दूं कि इनको तो अपडेट मिलना चालू हो चुका है और काफ़ी यूजर्स को यहाँ पे अपडेट मिल चुका है, लेकिन ये अपडेट भी पर्शियल है, तो बहुत कम यूजर्स को ही देखने को मिला है फिलहाल। काफ़ी अभी 10% या फिर 20% यूजर्स रह चुके हैं जिनको अभी तक इन डिवाइसेस के अंदर अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी डिवाइसेस के अंदर, मतलब जो भी ये डिवाइसेस हैं इनके अंदर आपको स्टेबल अपडेट का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसका रोलिंग आउट तो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 8 और Note 9 के बारे में। अगर आप इसके यूजर हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ तो यही था कि आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। हालांकि ये अपडेट आपको बीटा टेस्टर्स को मिलेगा या फिर स्टेबल को मिलेगा, अभी तक इसका कहना कुछ नहीं है। एंड एंड ऑफ अगस्त के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें यार और भी कुछ बताया गया है कि जैसे कि आपको यहाँ पे यार कुछ नया मिलने वाला है, मतलब कि आपको यहाँ पे बीटा टेस्टर्स को अपडेट नहीं मिलेगा, सीधा ही आपको यहाँ पे एक पब्लिकली नॉर्मल यूजर्स को अपडेट देखने को मिलेगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो कि ये सेकेंड या थर्ड बैच के डिवाइसेज हैं, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ रेडमी 8, 8A, रेडमी 7A, रेडमी 7, रेडमी Y3, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ठीक है। तो इनको मैं बता दूँ कि आपको सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर तीसरे तक आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा, लेकिन ये अपडेट आपको पर्शियली अपडेट होगा, स्टेबल अपडेट या फिर पब्लिक यूजर्स के लिए अपडेट बहुत टाइम लगने वाला है। इसकी अभी न्यूज नहीं आई है, लेकिन इतना ही बताया गया है कि आपको पर्शियल अपडेट देखने को मिलने वाला है। उसके लिए अभी मैं बात करने वाला हूँ Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5 Pro के बारे में। अगर आप इसके यूजर हो तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर के थर्ड बैच के अंदर इसे अपडेट मिलेगा, ये अपडेट भी शायद आपको पर्शियली अपडेट देखने को मिले। एंड ये अपडेट
आपको सितंबर के लास्ट में लेके आपको यहाँ पे अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये शेड्यूल समझ आ गया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना यार, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।